तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस नए वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो स्मोकिंग करते हैं वो उन्हें खांसी क्यों आती है। मेरा नाम है सुनील गुप्ता, आप देख रहे हैं 101.5। बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फूड पाइप है उसमें म्यूकस और सीलिया होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर एयर के साथ साथ जम्स और डस्ट भी जाते हैं और वो म्यूकस में जाकर फंस जाते हैं, और जो सीलिया वो इन सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकालता है। जब हम लोग स्मोक करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स बॉडी में ले जाते हैं, और ये केमिकल्स बॉडी में जाते ही सीलिया को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से सीलिया इन हार्मफुल केमिकल्स को बाहर नहीं निकाल पाता है। तो इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के लिए हमें खांसी आती है, और कभी कभी तो सोते समय भी खांसी आती है, क्योंकि सोते समय हमारा जो सीलिया वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है और इन सारे हार्मफुल केमिकल्स को लंग्स के बाहर निकालकर फूड पाइप में ले जाता है, और इन्हें फूड पाइप से बाहर निकालने के लिए हमें खांसी आती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।